हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंजीनियर राजा वर्मा और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम 10 mm एग्रीगेट ग्रेडेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हम कौन कौन से सीव का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम 12.5 mm, 10 mm, 4.75 mm और 2.36 mm सीव का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम 3000 ग्राम सैंपल का यूज़ करते हैं ग्रेडेशन के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ग्रेडेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ग्रेडेशन की कैलकुलेशन के लिए हमारी डेटा शीट है। अब मैं आपको इसमें कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो हमने 10 mm के लिए सैंपल लिया था, वो 3000 ग्राम सैंपल लिया था हमने। इसके लिए जो हमने ISCU यूज़ की थी वो है 12.5 mm, 10 mm, 4.75 mm और 2.36 mm। अब इसमें हम वेट रेटेन इन ग्राम, इसमें हमारी वो वैल्यू आएगी जो हमने 3000 ग्राम सैंपल जब हम इन सीव से सीव करेंगे तो इनके जो ऊपर इस रिटर्न सैंपल आएगा उनका जो वेट रहेगा वो इसमें आएगा, वेट रिटर्न इन ग्राम। तो हम 3000 ग्राम सैंपल को जब हम इन सीव से सीव करेंगे तो इनके ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ हम नोट करेंगे। 12.5 mm सीव पर सेव करने पर हमारा सैंपल 0 आया है तो हम यहाँ 0 नोट करेंगे। अब 12.5 mm सीव से पास 10 mm सीव पर जो भी हमारा रिटर्न सैंपल आएगा उसे हम यहाँ नोट करेंगे। हमारा 10 mm पर रिटर्न सैंपल आया है 238 ग्राम। अब हमारा 10 mm से जो पास सैंपल है और 4.75 पे जो रिटर्न सैंपल है उसका वेट हम यहाँ नोट करेंगे। हमारा 4.75 पर जो सैंपल रिटर्न आया है वो आया है 2191 ग्राम। अब हमारा 4.75 से पास 2.36 mm सी ऊपर जो रिटर्न सैंपल आया है उसे हम यहाँ नोट करेंगे। हमारा 2.36 mm सी ऊपर जो रिटर्न सैंपल आया है वो आया है 563 ग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम परसेंट ऑफ रिटर्न वेट कैसे निकालते हैं। तो परसेंट ऑफ रिटर्न वेट निकालने के लिए जो हमारी वेट रिटर्न, जो हमारी ये वैल्यू, हम इस वैल्यू में जो हमारा टोटल सैंपल है उसे डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो हमारी परसेंट ऑफ रिटर्न वेट का परसेंट निकल आएगा। जैसे 0 का तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। अब 238 का मैं आपको बताता हूँ हम परसेंट रिटर्न वेट कैसे निकालेंगे। तो हम करेंगे 238 हमारी जो वैल्यू है डिवाइड बाय करेंगे, हमने जो टोटल सैंपल लिया था 3000 ग्राम, इनटू करेंगे 100 तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 7.93%। हम इसे यहाँ नोट करेंगे। अब इसी तरह इसका निकालेंगे। मैं वैल्यू 73.03 हम नोट करेंगे। अब हम ऐसे ही 563 का निकालेंगे, हमारी वैल्यू आई है 18.76%। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा रिटर्न सैंपल है उसका क्यूमुलेटिव परसेंट हम कैसे निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रिटर्न परसेंट वेट आया है हम इस वाली वैल्यू में इस वाली को ऐड करेंगे, हम उसे यहाँ नोट करेंगे, फिर हम इसमें इसको ऐड करेंगे और यहाँ नोट करेंगे। जैसे हमारा 0 में 7.93 ऐड करेंगे तो 7.93 ही आएगा। अब 7.93 में हम 73.03 ऐड करेंगे, ये तो हम जैसे 7.93 + 73.03 ऐड करेंगे तो हमारा 80.96 हम इसे यहाँ नोट करेंगे। अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे, हम इसमें 18.76 को ऐड करेंगे, हमारा 99.72, इसे हम यहाँ नोट करेंगे। तो हमारी ये निकल आई है क्यूमुलेटिव
रिटन सैंपल की का परसेंटेज। अब परसेंट पासिंग हम निकालेंगे, तो पासिंग परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्यूमुलेटिव रिटर्न परसेंट वेट है, अब हम इसको 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से माइनस करने पर हमें परसेंट ऑफ पासिंग पता चल जाएगी, हमारी परसेंट ऑफ पासिंग निकल आएगी। तो जीरो को हम जब 100 में से माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ 100 ही आएगा। अब 100 में से 7.93 को माइनस करेंगे हमारी वैल्यू आई है 92.07। 92.07 हमने नोट कर लिया है। अब हम 100 में से 80.96 को करेंगे माइनस, नाइनटीन पॉइंट जीरो फोर आई है हमारी वैल्यू, हम इसे नोट करेंगे। अब हम 100 में से 99.72 माइनस करेंगे, जीरो पॉइंट एट टू हम इसे यहाँ नोट करेंगे, 0.28 सॉरी। तो ये हमारी 10 mm की ग्रेडेशन की कैलकुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।